और साथ ही दोरूटी में रेफरी की अगुवाई में मैदान के मध्य प्रवेश करते हुए और रेफरी से निवेदन है कि मैदान के मध्य दोनों टीमों को लाइनअप करा देने की कृपा करेंगे। और फिर से लाइनअप करा देने की कृपा करेंगे। के मध्य आएंगे और इस मैच का उद्घाटन समारोह में सम्मिलित होंगे। सबसे पहले हमारे विशिष्ट महोदय हमारे दोस्त कहेंगे, उसके बाद फुटबॉल किक होगा और तत्पश्चात एक फोटोग्राफ लिया जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल काफी ऐतिहासिक क्षण इस समय भी इस मैदान पर दोनों ही फाइनलिस्ट टीम के खिलाड़ी के साथ साथ मेस ऑफिशियल के साथ अपना भावनाओं को बांटते हुए आज की सभी गरिमा वही अतिथि समूह और तमाम यूट्यूबर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया के तमाम बंधु शुरू से ही दबाव पर आ
आएगी, परंतु कुछ फिर यहाँ पर अलग देखने को मिल रहा है। डायमंड एफसी पहला बार बहुत ही घातक बार किया था, क्रॉस बार ने बसाया और उसके बाद भी लगातार हमलों की बोल जारी है डायमंड एफसी की ओर से। एक हेड बॉल के साथ मिस को रोका एमडी हालिम जी ने और यहाँ पर लाभ मिलेगी एसएस स्टार दिल्ली टीम को। टीम का फ्री किक महारत हासिल करने वाले खिलाड़ी बीजू पात्र ये फ्री किक लेने के लिए तैयार। मध्य रेखा से आगे क्या अपनी टीम के लिए अच्छी सेट पीस बना पाएंगे। अच्छी प्रहार आई है, हेड की मांग, हेड करने से पहले गेंद गोल रेखा से बाहर। मैं आप सब को याद दिला दूं पीले जर्सी के साथ डायवर्ड एफसी और डीप नीले रंग के साथ जिस टीम को आप देख रहे हैं और टीम है और जापान गोल आती है तो रूसी बजाने की कोशिश करेंगे रवि के पास। अगेन रवि ने नियंत्रण करने के बाद आगे बढ़ता हुआ काफी सुंदर प्रयास हमें देखना पड़ेगा। बोस्टम जो कि तीन नंबर के जैसे पर बोस्टम तरीके से लेकिन फिर से मौका चारों को मिली है। रवि ने टर्न किया अकमल का मारा है दूसरे ही लंबे चाल के साथ हाथों पर या मौजूद राइटर गेंद के पोजीशन पर ये पास करी हुई और अच्छी नियंत्रण के साथ सत्रह नंबर ने नियंत्रण की थी जरूर विवेक छीनने के बाद कोने के साथ तालमेल बनाने की कोशिश और छोटे पास के इस्तेमाल की बेग पास हुई इस समय और अपने नियंत्रण पर रखकर गेंद को सीधे साथ अपने लक का विभिन्न के लिए गेंद को पास कर अपने प्रयोग ने सारे लंबे चाल के साथ गेंद को रेट के लेकिन दूसरी बार में हेड ओवर गेंद करना पहले की लक पर हाजिर होने की संभावना यहां पर बनी हुई थी लेकिन गोल पोस्ट से बाहर थी गेंद इसलिए बच्चे और कॉर्नर का मौका मिलता हुआ इस समय डायमंड एंड डायमंड एफसी की टीम को देखना पड़ेगा इस कॉर्नर का क्या कुछ फायदा लेती है। ग्यारह नंबर के लिए गेंद को पास किया है अच्छे नियंत्रण के साथ चकमा देने की कोशिश लेकिन गोमेज से टकराव के बाद गेंद चली गई मैदान से बाहर। थ्रोइंग का मौका मिलता हुआ इस समय सत्रह नंबर अभी अभी की थ्रोइंग डिफेंस लाइन पर थ्रोइंग करते हुए बारह नंबर को मिलता हुआ गेंद नियंत्रण अच्छी उन्होंने बोस्टम के लिए बोस्टम ने छोड़ा सीधे अपने साथी खिलाड़ी घनश्याम के लिए घनश्याम ने लंबी उछाल देना चाहा लेकिन विवेक ने गोमेज के लिए पास किया और राकेश को मिलता हुआ गेंद राकेश ने यहाँ रघु के साथ तालमेल बनाए और यहाँ गोमेज फिर से मौजूद और विवेक को देते हुए विवेक ने नियंत्रण किया अपने कदम तले गेंद को रखी है चकमा देने की भरपूर प्रयास कामयाब हुए बैक पास करी और बैक पास है सीधे तिरछू तक पहुंची गेंद और बिजू ने अपने नियंत्रण में रखकर लंबे चाल के साथ लीड की गेंद को राइट विंगर को ढूंढने का प्रयास किया था लेकिन यहाँ मौजूद चार नंबर ज्ञान ज्ञान के पास है गेंद ज्ञान ड्रिबल करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करते हुए एक शून्य से पीछे चल रहे हैं डायमंड की टीम देखिए राकेश को दिखा हुआ गेंद कहना पड़ेगा और राकेश को जब भी गेंद मिलती है खतरे में चाहते विपक्ष की टीम के ऊपर फिर से गोलर को मिलता हुआ लेकिन चीनी के गेंद और तेजी के साथ ड्रिबल करते हुए यहाँ विपुल के साथ तालमेल बनाया नौ नंबर अपने नेता में रखकर आगे रवि के पास आएंगे को खिलाएंगे छह नंबर के पास आएंगे क्या कुछ करेंगे रवि अपने कब्जे में लेकर गेंद को तेजी के साथ के लिए ले जाने के प्रयास नियंत्रण
डिफेंडर एज ए स्टार्टर हुई थी, लंबी किक करी है, पास करी है, राकेश तक पहुंचाने की कोशिश की थी उन्होंने, लेकिन ज्ञान को मिलता हुआ ज्ञान ने अपने नियंत्रण किया है। चलो बाकी सवाल करना चाह रहा हूँ, मौके पर मौजूद है रघु से और तेजी के साथ रवि को मिलता है, लेकिन यहाँ पर फॉल करते हुए और सामूहिक रन जो कि यहाँ पर लेने की कोशिश में बाधा डालने का प्रयास किया था और और फ्रीकी का अवसर उस समय मिलेगा डायमंड एंड डायमंड एफसी को। और एक विशेष सूचना है, किसी व्यक्ति का बाइक की चाबी खो गया है तो आप लोग चेक करें, क्योंकि हमारे कमेटी के पास एक बाइक की चाबी आई है, आप देख ले प्लीज। एक फ्रीकी का अवसर सेंटर लाइन के पास से एक करने के लिए बिल्कुल तैयार, दो खिलाड़ी पेनल्टी आने की गोलरी के आसपास मंडराते हुए अपने नियंत्रण में रखी है। लंबी पास के जरिए सीधे राजनगर को खोजने ढूंढने का प्रयास किया था, लेकिन टप्पा खाने के बाद लुढ़कती हुई जा रही है गेंद और इसे रोकने में कामयाब हुई और इसे हकरू ने पास करी है। तीन नंबर बोस्टन के लिए घनश्याम को दी है, घनश्याम जो की 11 नंबर की जगह पर खेलती हुई घनश्याम तेजी के साथ दौड़ पड़े हैं, ब्रेक रोकने का प्रयास करते हुए और किताबों के साथ और टेबल कीपर के पास गए और अभी अपने नियंत्रण में रखी गेंद को जीतने में सफल फिर से रघु को मिलता हुआ सफल राकेश ने सीधे यहाँ पर समाचार की गेंद पास के साथ अपने नियंत्रण में रखी छोटे पास के सफल करते हुए यहाँ पर रघु के लिए गेंद को निकाला। रघु ने नियंत्रण किया गेंद को और पीछे की तरफ पास करी है और रवि बढ़ता हुआ आगे की तरफ कहना पड़ेगा, रवि कैप्टन रवि के साथ खतरे बचाने में कामयाब हुए हैं। फिर से रवि को मिलता है, रवि ने अपने साथी खिलाड़ी घनश्याम के लिए घनश्याम ने बाहर पाओ से यहाँ पर डालना चाहते थे लेकिन दिशा देने में नाकामयाब, चली गई गेंद मैदान से बाहर, गोल लाइन से बाहर। एक गोल की कवर और माइक्रोफोन पर गोनो महंतो सीएम बिल्कुल काफी तीव्र रफ्तार के साथ दोनों ही टीम खेल रही है और जिस तरह से डायमंड एफसी गोल खाने के बाद एक घायल शेर की तरह लगातार आक्रमण कर रही है तो किसी भी समय यहां पर वापसी गोल आप देख सकते हैं या फिर मौका की तलाश पर जैसे कि राकेश ग्रुप अभी तक इस प्रतियोगिता की उनके कदमों से चौथा गोल आ चुकी है, यानी कि चार मैच पर चार गोल और सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी की दौड़ पर सबसे आगे। और यहाँ पर डायमंड एफसी एक बार फिर दाएं छोर से जर्सी नंबर 6 जिनके पास गति है और गति के साथ साथ कला भी है, उन्होंने लंबे समय तक अपने पास गेंद को रखा। 11 नंबर के लिए माइनस पास, 11 नंबर फुला यहाँ पर खिलाड़ी को फीड करने की कोशिश किए थे और सफल भी हुए हैं काफी हद तक। तीन नंबर पर मुख्य डिफेंडर गिफ्ट है पहला आपकी खेल जारी, यानी कि काफी सारे समय है इस मैच की, सही समय पर जो खिलाड़ी सही कदम उठाएंगे तो निश्चित तौर पर उनको सफलता मिलेगी। जर्सी नंबर 11 वन टच पास अपने इशारे 17 नंबर के लिए और सही सोच 17 नंबर की, मैदान को चौड़ा करने की कोशिश विपक्षी दल को यहाँ पर और गोल किक के साथ संतुष्ट होना होगा। कोशिश अच्छी साथी को सजाते हुए गोल किक के लिए लंबा प्रहार, हालांकि विपक्षी दल के खिलाड़ी बॉल पोजीशन जीते हैं और बॉल पोजीशन के साथ 11 नंबर क्रॉस पास बिल्कुल सही सोच, खाली जगह देखकर और इनके पास जगह भी है, गति भी है, उन्होंने बेहतर समझा यहाँ पर पास खिलाने के लिए और पास के सहारे फुला 11 नंबर घनश्याम से अपने हिसाब से चूक और लिटिल सी फुटबॉल खेल का सबसे पहला कदम
रिसीव है और सिस्टम करने के बाद अनुभवी खिलाड़ी और यहां पर अंतराल अंतराल तक एक कीमती गोल के साथ आगे आपका बहादुर राकेश को मिलता लगे अपने नियंत्रण में रखिए छीनने का प्रयास एक समय तेजी के साथ आक्रमण का मोमेंट बनाते हुए गांड अपने नियंत्रण में रखकर आगे बढ़ने का प्रयास करता हुआ देखना पड़ेगा अच्छी तालमेल के साथ गेंद अच्छी तालमेल के साथ डालने का प्रयास की थी उन्होंने टारगेट नहीं रख पाया रोकने के प्रयास तीन नंबर कबिलता हुआ गेंद जो की बोस्टन जयपाल से चीनने के प्रयास में लेकिन गुमला मौजूद सीटी आई है गेंद मैदान से बाहर जा चुकी थी तो इनका अवसर ऐसे स्टार को थ्रोइंग करते हुए यहां पर क्या कारण है लेकिन अंततः समुच रन ने क्लियर की गेंद को और लाल थ्रोइंग के बाद बैक थ्रो करते हुए मांकी के लिए मांकी ने अपने नियंत्रण में रखकर सीधे घनश्याम घनश्याम ने रवि यहाँ पर मौजूद है रवि प्रयोग से पीछे चल रही है ये टीम बचता हुआ समय पर वापसी गोल रख पाएगी तमाम दर्शक के दिल और दिमाग पर ये सवाल गूंजता हुआ फिलहाल मिडफील्डर काफी रफ्तार के साथ अच्छी पास क्या देखते हुए दोनों के बीच से गेंद को निकाला था बेहतरीन मुकाबला फाइनल की फाइनल मुकाबला की तरह ही खेलती हुई दो दिग्गज टीम कहना पड़ेगा यहाँ पर तू डाल डाल समय पास पास के तेज पर खेलते हुए रवि अपनी टीम को टॉप पोजीशन बनाई है और कहना चाहेंगे पहली नजर रखी हुई है मैच पर और किसी भी तरह का अभद्र व्यवहार या हार करने की कोशिश न करें क्योंकि खामियाजा आपको ही भुगतना पड़ सकता है अनुशासन को ध्यान में रखते हुए अनुशासन को बनाए रखते हुए लेकिन इस बार ऐसा ही खिलाड़ी के बाहर और डायमंड एफसी की घोषणा करने वाले खिलाड़ी कृपया हाथ ऊपर करके सूचित
हालांकि अभी भी कहानी बाकी है। और यहाँ पर ज्यादा आत्मविश्वास निश्चित तौर पर उनके पास विकल्प थे, पास दे सकते थे, पर खुद यहाँ पर गोल करने की मानसा के साथ सफल नहीं हुए। और फिलहाल डायमंड वापसी पास उनके लिए, और उन्होंने रंग बल के माध्यम से तरह सराते थे अपने ही साथी को राकेश को। इस मैच का पहला गोल स्कोर मानसा के साथ और गिन जाएगी रेखा से बाहर। सफलता के साथ खेलते हुए पसीना बहाते हुए मैदान के अंदर और बेहतर से बेहतरीन को हवा में उछाला है प्रयास सीधे छत पर के लिए मानकी ने पास करने की कोशिश करी थी, लेकिन यहाँ फिर से घनश्याम श्याम को मिली है पास करी है। तीसरा ही किक के लिए मनोबल गिराने की काम कर रहे हैं, उनको थोड़ा संभालना होगा अगर मैच में बने रहना है तो बढ़त हासिल करनी है, तो ज्ञानी को थोड़ा सा खेलने की आवश्यकता है। दूसरे ज्ञानी को मिलता बगैर अपने नेता नरक लभिचर के साथ एक रवि की है और रवि के लिए देना चाहते थे, लेकिन बीजू के हैदर राहू के पास गए। राहू ने अपने सानों के लिए सानों ने घोमिया के लिए घोमिया ने यहाँ पर राकेश के लिए राकेश ने और अपने नियंत्रण में रखे भरपूर प्रयास करता हुआ उनकी विपक्षी टीम के खिलाड़ी आ रहा है। नियंत्रण में बैक पास करी सानों के लिए, सानों ने अपने नियंत्रण में रखी, फिर से राकेश को ढूंढा, राकेश ने नियंत्रण किया और सीधे पास करी है सीधे समुचरण के लिए। समुचरण अपने नियंत्रण में रखी है और देख रहे हैं क्या कुछ करेंगे और अच्छी पास कमल तैनात कुश्ती पर अपने दस्तानों में लाल का यहाँ पर अच्छी प्रयास थी, लेकिन कमल ने से नकारते हुए बात करी है रघु के लिए। रघु ने और भवन बनाने की कोशिश करें कुछ से पहले समय है ना, तो रघु ने घुमा ना रघु के लिए, रघु ने फिर से बैक पास किए रुजू के लिए, रुजू ने नियंत्रण किया गेम को, रुजू अपने नियंत्रण में रखी है लंबे चार के बाहर रिलीज की राकेश सुपाल के लिए देना चाहते थे, लेकिन आपस में टकरा बैठे गिर पड़े दोस्तों और फाउल करा देते हुए रेफरी बना दे पाल को। फ्री किक का अवसर मिलता हुआ डायमंड एंड डायमंड एफसी को चलता हुआ जी हाँ बिल्कुल, और बहुत परेशान डायमंड एफसी के पास थे उसी के द्वारा यहाँ पर पाउल जी थे और इनडायरेक्ट सिटी की सारा एम डी हाउस जी के द्वारा इसीलिए तो कहा जाता है। लेकिन जी आप मुकाबला किस तरह से शुरू करते हैं ये बड़ी बात है, नहीं आप मुकाबला किस प्रकार से अंजाम करते हैं अंत करते हैं ये सबसे बड़ी बात। पहले सुनियों से पीछे था टीम पर, अब कहानी अलग परिस्थिति अलग, बढ़िया कंट्रोल दाएं छोर से डिफेंडर यहाँ पर तैनात थे और डिफेंडर ने काफी सतर्कता के साथ गेंद को बाहर किया और जब तक पास देते हैं धीरे धीरे
वक्त जितना आगे बढ़ रही है हर ढीली फुट पर दिखाई पड़ता हुआ एस एस स्टार जी क्या इस ढीली फुट की लाभ उठाने की कोशिश अच्छी थ्रो राकेश जो काफी असरदार अभी तक और यहाँ पर होल्डिंग का टेलीफोन है सही दिन और मिलेगी फ्री किक अटैकिंग टीम एस एस स्टार टेलीपी को बहुत ही नाजुक स्थिति पर मेज आ चुकी है नितिन जी अब यहाँ से अगर गोल हो जाती है तो शायद वापस करने के लिए विपक्ष सिद्धू को ज्यादा समय मिलेगी नहीं क्या यहाँ पर अपने टीम का सबसे बेहतरीन फ्री किकर इस मौका को सुना पाएंगे और एक मरतबा ये इंडायरेक्टली परिचालक के हाथ ऊपर यानी कि ये आप इनडायरेक्टली की सीधा रूप से गोल नहीं किया जा सकता इनडायरेक्ट फ्री किक को इसीलिए उन्होंने 37 डाले थे और बिहार बिना चुप के सहारे उन्होंने ग्रिपिंग किया थोड़ा यहाँ पर दोनों के बीच छीने छुपे के क्रम पर एक लंबा बोल सुनती हुई और जब तक टप्पा था नहीं चलिए अभी भी काफी सारे